401 रुपए का एयरटेल का हॉटस्टार डिज्नी वाला प्लान लेना चाहते हैं आईपीएल देखने के लिए, तो बिल्कुल रिचार्ज मत कीजिएगा एयरटेल के ऊपर 401 रुपीज से, क्योंकि इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है जो कि इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो चुका है और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीत लिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर गेम्स और इंटेंस होने वाले हैं और आपके द्वारा रिचार्ज करना काफी जरूरी हो जाएगा जब आप मैचेस को देखना चाहेंगे। तो वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है कि जियो के बहुत सारे प्लान में से कौन सा सबसे बढ़िया फिट बैठ रहा है आपके लिए, एयरटेल का कौन सा प्लान आपके लिए उचित रहेगा, वोडाफोन में क्या कोई प्लान है। वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोगों से आग्रह करता हूं कि प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और अगर आप शेयर करते हैं तो काफी लोगों को बता पाएंगे कि ये चीजें अच्छी हैं और आपको इसके तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल के बारे में और एयरटेल का जो हॉटस्टार डिज्नी का प्लान है जिसके अंदर शुरुआत उनकी 401 रुपए से हो जाती है। भले ही ये प्लान जियो के टक्कर में लेके आया गया था, लेकिन इसके अंदर जो चीजें दी जा रही है वो जियो के हिसाब से नहीं दी जा रही है। सबसे पहले एयरटेल के 401 प्लान के अंदर आपको वैलिडिटी 28 दिनों की होती है, डेटा आपको 30 GB दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी कॉलिंग की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 30 GB डेटा आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा हॉटस्टार डिज्नी के सब्सक्रिप्शन के साथ, जो कि आपको एक साल के लिए दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आपको 399 रुपए में हॉटस्टार डिज्नी का सब्सक्रिप्शन वैसे मिल जाता है वीआईपी वाला, 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो यहां पे आपको एक महीने के लिए 30 GB डेटा बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके अलावा इस प्लान में कुछ खास नहीं है। अब 401 के प्लान के बारे में जानकारी लेने के बाद चलते हैं एयरटेल के 448 प्लान की तरफ, जहां पे आपको 28 डेज की वैलिडिटी के अलावा 3 GB डेटा पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब यह कि 84 GB डेटा आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है और वहीं पे आपको हॉटस्टार डिज्नी का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। कॉलिंग की फैसिलिटी यहाँ पे है जो कि अनलिमिटेड है, कि अगर 599 के प्लान के बारे में बात करते हैं जहां पे आपको 56 दिनों के लिए वैलिडिटी दी जाती है और साथ ही साथ 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से 112 GB डेटा का बेनिफिट दिया जाता है। कॉलिंग की फैसिलिटी अनलिमिटेड, हॉटस्टार डिज्नी का सब्सक्रिप्शन एक सालों के लिए। एयरटेल के अंदर बेस्ट कौन सा प्लान रहेगा रिचार्ज कराने के लिए, तो आपको बता दें कि अगर 599 अगर रिचार्ज कराते हैं आप तो पर डे जो कॉस्ट निकल के आ रहा है वो 10 रुपए 70 पैसे के आसपास आ रहा है। वहीं पे 448 के अंदर एयरटेल में आपको 16 रुपए एक दिन का कॉस्ट आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको 599 के साथ जाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको डेटा ज्यादा चाहिए इस्तेमाल करने के लिए तब जाके आप 440 का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई एड ऑन पैक ले सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा एयरटेल की तरफ से। तो एयरटेल के बारे में बात करने के बाद चलते हैं जियो की तरफ, जहां पे बहुत सारे प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग प्राइस 401 रुपए है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरह तरह के प्लान जियो की तरफ से दिए जाते हैं। कुछ प्लान डेटा के साथ आता है और कुछ प्लान सभी फैसिलिटीज के साथ दिया जा रहा है आपको जियो की तरफ से। तो सबसे पहला प्लान जो जियो का है वो सेम एयरटेल जैसा ही है, 401 रुपए आपको देने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिलेंगी। लेकिन एयरटेल के अंदर जहां पे आपको 30 GB डाटा दिया जाता था, यहां पे आपको पर डे 3 GB डाटा दिया जाएगा, मतलब कि 84 GB डाटा आपको दिया जाएगा इस प्लान के अंदर और 6 GB का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा और टोटल डेटा आपको 90 GB का हो जाता है और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक महीने के अंदर, मतलब कि 28 दिनों के अंदर। इसके साथ साथ कॉलिंग की फैसिलिटी जहां पे 1000 FUP मिनट्स मिलेंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं नॉन जियो नंबर पे, और इसके साथ साथ आपको हॉटस्टार डिज्नी का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्लान के ऊपर जो पर डे कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 14 रुपए 32 पैसे का एक दिन का खर्चा आपको अगर हॉटस्टार डिज्नी देखना है तो। जियो के ऊपर 401 रुपए के प्लान के बाद एक और जियो के द्वारा प्लान लॉन्च किया गया जिसका कीमत है 499 रुपए। जियो की तरफ से इसको डेटा एड ऑन बताया जाता है और जिसके अंदर आपको 1.5 GB डेटा के हिसाब से 56 दिनों के लिए दिया जाता है और यही टेन्योर होने वाला है आईपीएल का भी। इसके अंदर आपको 84 GB डेटा जो कि 1.5 GB पर डे के हिसाब से मिलने वाला है और इसके साथ साथ आपको डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा जो कि एक साल तक वैलिड रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक एड ऑन प्लान है, मतलब यह कि आपके नंबर के ऊपर अगर कोई प्लान पहले से एक्टिवेट है तो उस प्लान के ऊपर इसको ऐड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 1.5 GB डेटा अगर आपका पहले से मिला था और 1.5 GB डेटा ये मिलता है तो आपको मैच देखने में आसानी होगी और बिल्कुल आप एक मैच बिल्कुल इतने में देख सकते हैं, साथ ही साथ कुछ सर्विंग भी कर पाएंगे। जियो के 598 के प्लान के बारे में बात करते हैं जहां पे वैलिडिटी तो 56 दिनों की है लेकिन डेटा को 2 GB पर डे कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लगभग 28 GB डेटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 499 वाले प्लान के हिसाब से देखा जाए तो, और साथ ही साथ आपको हॉटस्टार डिज्नी का सब्सक्रिप्शन एक साल का तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा आपको कॉलिंग के लिए 2000 मिनट नॉन जियो नंबर पे मिलते हैं जो कि आपको पहले के प्लान से मिलते थे। मैं जो भी प्लान के बारे में अभी बात कर रहा हूं सभी में हॉटस्टार डिज्नी आपको दिया जाएगा एक साल के लिए।
जियो के ट्रिपल सेवन के प्लान के बारे में अगर बात करते हैं, जहां पे आपको दिया जा रहा है 84 डेज की वैलिडिटी और साथ ही साथ आपको 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए, मतलब ये कि 131 GB डेटा आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, जो कि आप 3 महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉटस्टार डिजनी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। जियो टू नॉन जियो नंबर पर कॉलिंग के लिए आपको 3000 मिनट्स मिलने वाले हैं और बाकी जो जियो टू जियो कॉलिंग है वो अनलिमिटेड रहने वाला है। अब प्लान्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इन प्लान्स के अलावा भी आपके पास बहुत सारे प्लान है जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जियो के सभी प्लान्स के बारे में आपने सुन लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेहतर प्लान कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा रिचार्ज कराने के लिए। देखिए, अगर आपके नंबर के ऊपर पहले से कोई प्लान एक्टिवेटेड है जो कि काफी लंबा चलने वाला है, तो आपको जाना चाहिए 499 के साथ, जहां पे आपको डेटा मिलेगा एक्स्ट्रा और साथ ही साथ आपको मिल जाएगी डिज्नी हॉटस्टार की। लेकिन आप अगर रिचार्ज कराना चाहते हैं बिल्कुल न्यू तरीके से, तो मेरे हिसाब से आपको रिचार्ज कराना चाहिए 777 के साथ। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो 598 रुपए में जियो की तरफ से प्लान दिया जा रहा है, उसका जो कॉस्ट है वो पड़ने वाला है 10.60 रुपए, लेकिन जो आपको 777 का प्लान है वो आपका कॉस्ट पड़ता है 9.25 रुपए का। और ये जो अंतर है ये काफी बड़ा अंतर है, मतलब ये कि 179 रुपए अगर आप पे करते हैं तो 28 दिनों के लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना। तो 598 का रिचार्ज मत कराइएगा, 777 का रिचार्ज कराइएगा अगर जियो के अंदर आप रिचार्ज करा रहे हैं और लंबा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, क्योंकि जो 28 दिनों का प्लान था उसके अंदर आपको 14.32 रुपए का पर डे के हिसाब से कॉस्ट पड़ रहा था। तो इस तरीके से 777 का प्लान जो है वो बेस्ट साबित होता है जियो के लिए। अभी काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी के पास जियो का भी नंबर है और एयरटेल का भी नंबर है तो किसका रिचार्ज कराना चाहिए, काफी लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट यह है जानना कि आपके पास नेटवर्क किसका बेहतर आता है, जियो का नेटवर्क अच्छा आता है या फिर एयरटेल का अच्छा आता है। आपको अपने घर के अंदर हर एक कोने में देख लेना चाहिए कि किसका नेट अच्छे तरीके से चल रहा है, और शायद आपको यह मालूम भी होगा जिसका नेटवर्क बढ़िया आता है उसका रिचार्ज करा लीजिए। एयरटेल के अंदर 599 का बेस्ट प्लान है, वहीं पर जियो के अंदर 777 वाला प्लान है वो बहुत बढ़िया साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि जियो कराएं कि एयरटेल कराएं, तो जियो एयरटेल दोनों का नेटवर्क अगर सिमिलर तरीके से आपके घर में काम करता है तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए जियो की तरफ। और जियो आपको 777 के अंदर 84 दिनों तक बेनिफिट दे रहा है सभी चीजों का, इसके अलावा आपको हॉटस्टार डिज्नी का सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही मिलता है। इस तरीके से एयरटेल और जियो के अंदर आपको जियो विनर दिखता हुआ नजर आ रहा है, और 777 का प्लान एक अच्छा तरीके से आप लोगों के सारे बेनिफिट्स को कवर कर रहा है। अब इन दोनों प्लान्स के बारे में मैंने बात करी है, काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि आपने थंबनेल में तो वोडाफोन आइडिया के बारे में बताया था, उस प्लान के बारे में क्या है। तो बता दें आपको कि वोडाफोन आइडिया के पास कोई भी हॉटस्टार डिज्नी का प्लान नहीं है। G5 का सब्सक्रिप्शन तो आपको वहां देखने को मिलेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया का कोई भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो IPL की शुरुआत हो चुकी है, रिचार्ज कराना आपके लिए आसान कर दिया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा रिचार्ज प्लान है जो कि हॉटस्टार डिज्नी को देखने में मदद करता है। क्या आप पूरा IPL मोबाइल पे देखने वाले हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तकनीकी साथ देखने के लिए धन्यवाद।